हाय, दिस इज रेणुका, एजुकेटर ऑफ कंटेंट रीजनिंग। सो आज हम इस सेशन में बात करेंगे एसबीआई क्लियर प्रीलिम्स 2022 में कैसे 80 प्लस स्कोर करना है, सेक्शन वाइज अटेम्प्ट्स कैसे करना है, मैंने रीजनिंग में 35 करके भी 2 मिनट्स कैसे बचे थे, बस एक प्लानिंग होना चाहिए फाइनल अटेम्प्ट से पहले। देखो, सबसे पहले आपको सेक्शन वाइज अटेम्प्ट्स की एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। विदाउट दैट आप अपने ओवरऑल टारगेट पूरा नहीं कर सकते। हर किसी के अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स वीक सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट? कोई क्वांट में स्ट्रॉन्ग होता है, कोई इंग्लिश में, कोई क्वांट एंड रीजनिंग दोनों में। सो पहले ये डिसाइड कर लो कि किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग हो, देन उसके अकॉर्डिंग ही आप अटेम्प्ट्स की प्लानिंग कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी, मेरा क्वांट एंड रीजनिंग दोनों स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, तो मेरा टारगेट था क्वांट एंड रीजनिंग दोनों में 35 आउट ऑफ 35। या ऐसा माइंडसेट मेरा था कि रीजनिंग में 35 तो बन जाएंगे, अगर क्वांट में 35 ना भी बने बट 30 प्लस करने की कोशिश मैं करूँ, 30 से नीचे ना हो इतनी मैं कोशिश करूँ। और इसके लिए मैंने प्लानिंग भी कर ली थी कि सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज, या तो मिसिंग नंबर सीरीज या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज, 5 क्वेश्चन आते हैं। डीआई 2 आते हैं, मिनिमम 2, तो मैं 1 से 2 डीआई आते हैं, 10 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से मिनिमम 25 मार्क्स के आपको मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन आपको 25 मार्क्स के मिल जाएंगे, ठीक है। अगर क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन ना आकर 5 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 डीआई मिल जाएंगे। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे आपको 2 डीआई की जगह 1 ही डीआई होगा, ठीक है। या फिर ऐसा होगा कि इन दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होंगे, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या फिर नंबर सीरीज होगा, ठीक है। या फिर अगर सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन आते हैं तो अरिथमेटिक के कम क्वेश्चंस कर दे सकता है, 7-8 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। 10 से 12 क्वेश्चन अगर सिंप्लीफिकेशन के दे दे तो अरिथमेटिक के 7-8 क्वेश्चन हो सकते हैं, बट मिनिमम 10 क्वेश्चन मानकर चलो, ठीक है। तो यहाँ से मिनिमम 25 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, और ये 25 क्वेश्चंस मैं 15 मिनट में करूँ ऐसा मेरा टारगेट था, ठीक है। आपको भी यही टारगेट लेके अभी प्रैक्टिस करना है, जितने भी दिन अभी बचे हैं 15 मिनट में ये 25 क्वेश्चंस आपके होने ही चाहिए। मिनिमम 25 तो यहाँ मिलेंगे ही आपको, और बाकी 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के होंगे। सो दैट बाकी जो 5 मिनट्स होंगे उसमें आप 5 क्वेश्चन मिनिमम कर सको, क्योंकि उससे ज्यादा भी होंगे, क्योंकि मिनिमम 5 आपको टारगेट रखना ही है, सो दैट आपके 30 के टारगेट, मिनिमम 30 का टारगेट तो पूरा होगा ही। अदरवाइज आपके 5 मिनट में ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, अगर 2 एक्स्ट्रा हो गए तो 30 प्लस तो यहाँ पे हो ही गए, ठीक है। और रीजनिंग में तो मैंने कहा ही था कि 35 आउट ऑफ 35 करने के लिए पेपर को एज इट इज, मतलब जो भी स्क्रीन पे पहले आए करते जाना है। दैट वाज माय स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट 35 आउट ऑफ 35 इन 20 मिनट्स। और सब करने के बाद भी 2 मिनट्स बचे थे मेरे पास एक बार, जिसमें मैंने चेक कर लिया कि कुछ कहीं गलत तो नहीं हुआ है, यू नो सिलॉक्स वगैरह। कैसे 35 रीजनिंग में और 30 प्लस क्वांट में करना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे ही। उससे पहले अटेम्प्ट्स कितने हुए, यहाँ पे ये 35, और अगर ये 30 प्लस यानी 30 भी हो तो भी 65 मिनिमम तो हो ही जाएंगे, और इंग्लिश में बस 15 भी कर लेते हो तो 80 प्लस का टारगेट पूरा हो, राइट। क्लर्क का पेपर है, इंग्लिश में 15 से ज्यादा, इनफैक्ट 20 प्लस इजीली कर सकते हो। मैंने खुद प्रीवियस क्वेश्चंस को करके 20 प्लस कैसे करना है इस पर वीडियो बनाया है, ये वीडियो आप देख सकते हो, देख लेना। इजीली इंग्लिश में 20 प्लस आप कर लोगे। नाउ अटेम्प्ट्स टारगेट आपने बना लिया, अब क्या करना है आपको, एसबीआई क्लर्क, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क, पहले क्लर्क वाले जो पेपर्स है, ठीक है, और आरआरबी क्लर्क, ठीक है, ये 3 हो गए। फिर एसबीआई पीओ, ठीक है, अब पीओ के पेपर्स आईबीपीएस पीओ, देन आरआरबी पीओ, ठीक है। पहले क्लर्क के पेपर्स, फिर पीओ के पेपर्स, इन 6 पेपर्स को एक एक करके पहले रीजनिंग दो एक दिन। पेपर्स मैंने प्रोवाइड किया है, प्रीवियस पेपर्स डाउनलोड करके आप कैसे क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, रीजनिंग इन सारे एग्जाम्स के 20 मिनट्स टाइमर लगा के रीजनिंग एक दिन दो। रीजनिंग को हर एग्जाम में कितने कितने अटेम्प्ट्स हुए, पीओ के ऑब्वियसली कम होंगे, डो नॉट वरी। क्लर्क में आज 25 होंगे, कल 30 होंगे, एग्जाम से पहले 35 तक आप जरूर पहुंच जाओगे, ठीक है। सिमिलरली क्वांट का भी करना है, 20 मिनट्स का टाइमर लगाओ, कितने अटेम्प्ट्स हुए नोट डाउन करो, देखो आपके हर अटेम्प्ट्स में स्कोर्स इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। जब आपका, जब तक आपका ये टारगेट, ये जिद होगी कि मुझे यहाँ तक कैसे भी पहुंचना है, तो आप कैसे भी करके दिन में 10 बार ही प्रैक्टिस करके क्यों ना सही
आप टारगेट तक पहुंच जाओगे। एग्जैक्टली व्हाट आई डिड, जब मेरे भी अटेम्प्ट्स आज 28, कल 27, फिर उसके अगले दिन 29, फिर 28 ऐसे होते थे, तो मैं तब तक करती रहती थी जब तक ये 30+ तक ना पहुंचे। फाइनली एग्जाम से पहले वो टारगेट बना के ये क्वेश्चंस पहले करके अरिथमेटिक करने से 30+ इजीली बन रहे हैं। बट इंग्लिश में क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना है। इंग्लिश में कोई टाइम का इशू नहीं होता है ना, सो पहले एरर कर सकते हो, वर्ड स्वैप, क्लोज टेस्ट, इन सब्जेक्ट्स को एक एक करके, चैप्टर्स को एक एक करके चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस कर, ठीक है। आर यू ऑल कैन ऑल्सो प्रैक्टिस चैप्टर वाइज, पूरे 1000+ क्वेश्चंस पड़े हैं, वो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। डिपेंड्स आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ यू कैन अटेम्प्ट एंड स्कोर 80+ इन एसबीआई क्लियर प्रीलिम्स। आई होप यू लाइक द सेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।